आजमगढ़ में लोगों ने पूजा पाठ के साथ नए साल की शुरुआत की। मंदिरों में दिन भर श्रद्धालुओं का दर्शन पूजन के लिए आना जाना लगा रहा। लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी, वहीं देर रात तक लोगों ने जश्न मनाया। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के चलते होटलों रेस्टोरेंटों में प्रोग्राम रद्द किए गए थे, लेकिन लोगों ने घरों में परिवार संग केक काटकर नए साल के आगमन का स्वागत किया। इसके अलावा कई स्थानों पर छोटी छोटी पार्टियां कर कई लोगों ने लाखों की शराब गटक ली। आजमगढ़ में नए साल पर रात जहां म्यूजिक डांस मस्ती का धमाल रहा, तो वहीं सुबह घंटा घड़ियालों पूजन अर्चन का आध्यात्मिक माहौल रहा। नए साल की सुबह आशा की किरणें बनकर आई। बीत गई सो बीत गई के भाव के साथ नई उम्मीद नई आशाओं को लेकर लोगों ने मंदिरों में मत्था टेका, प्रभु का दर्शन पूजन कर वर्ष 2022 के मंगलमय होने की कामना की। सभी प्रमुख मंदिरों में अल सुबह से भक्तों का दर्शन पूजन का क्रम चलता रहा। नगर में चौक क्षेत्र स्थित दक्षिणी मुखी देवी की प्रसिद्ध मंदिर, लाल डिग्गी क्षेत्र स्थित बड़ा गणेश मंदिर व भवरनाथ क्षेत्र स्थित प्राचीन शिव मंदिर में आस्था की भीड़ नव वर्ष की मंगल कामना के साथ पूजन अर्चन करती नजर आई। नव वर्ष के अवसर पर लोगों ने एक दूसरे को शुभकामना आशीर्वाद देकर वर्ष 2022 की बधाइयां दी। मस्ती से शराबोर रहे, शराब की भी खूब बिक्री हुई। वहीं ओमिक्रॉन के चलते शासन के निर्देश पर पहले से ही देर रात में चल रही लॉकडाउन को लेकर रात भर पुलिस की भी चौकसी रही। आजमगढ़ से रत्न प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट। क्या नाम है? मैं शरद तिवारी, मालिक एवं पुजारी दक्षिण मुखी देवी मंदिर चौक आजमगढ़। आज जैसा कि 2022 का सबसे पहला दिन है आज, इसलिए सभी लोगों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और पूरे साल हर साल इसी तरह से सभी लोगों को माता रानी सुख शांति समृद्धि दे और सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं करते हुए आप लोगों को धन्यवाद।